नमस्कार, मैं जहांगीर आलम, आप देख रहे हैं गोल्ड मिरर, हर पल आपके साथ। दो क्षेत्र, दो जिले, दो राज्य नहीं बल्कि दो अलग अलग देशों के धड़कने वाले दो दिल आज एक हो गए। वो कहते हैं ना कि जोड़ियां तो आसमानों में बनती है और जिनकी जोड़ी जहां होती है वो वहां पहुंच ही जाता है। जैसा कि धनबाद के कुमार सुंदरम आज जापान की यूरी के साथ देखने को मिला। आज दोनों परिणय सूत्र में बन गए और ईश्वर की लीला को साक्षात किया। दोस्तों, सराय ढेला स्थित प्रभु दर्शन अपार्टमेंट में रहने वाले कुमार सुंदरम जापान के टोक्यो में बैंकर्स का जॉब करते हैं। यूरी से उनका संपर्क पिछले एक सालों से रहा है। दोनों में पहले दोस्ती हुई, फिर दोस्ती प्यार में बदल गया। एक साल दोनों ने एक दूसरे को अच्छे से समझा और जाना, उसके बाद विवाह करने का निर्णय लिया। दोनों के परिवारों की सहमति भी इसमें शामिल हो गई तो सोने पे सुहागा हो गया। आज यानी 20 नवंबर को कुमार सुंदरम के घर खुशी का माहौल है। यूरी ने पत्रकारों को बताया यह शादी उनके लिए एक सरप्राइज की तरह है। उन्होंने कहा धनबाद का माहौल उन्हें अपने होम टाउन की तरह लग रहा है। उन्होंने कहा कि इस शादी से वह तथा उनका परिवार बेहद खुश है। हिंदी रीति रिवाज से दोनों का विवाह हुआ। उन्होंने कोर्ट में भी शादी की अर्जी दी है। तो आज झारखंड के धनबाद जिले के रहने वाले कुमार सुंदरम आज जापान की यूरी दोनों परिणय सूत्र में बन गए और एक प्यार भरा संदेश दो देशों को दिया। तो मेरा मानना यह है कि जब दो लोग मिलते हैं और आज के टाइम पे, पहले का टाइम था जब एक टाइम पे लोग देखते थे कि शादी किसी एक शहर में जहां हम रहते हैं वहीं पे कोई लड़की ढूंढ के उससे कर लेंगे, या आसपास के सेम कास्ट में सेम कल्चर में ही शादियां हुआ करती थी। लेकिन आज का वक्त बदल चुका है। हमारे माता पिता ने भी काफ़ी सपोर्ट किया है हमें और वो हमेशा से मानते थे कि मुझे अपना साथी चुनने का डिसीजन खुद से करना है। तो जो भी लड़की हो, जहाँ की भी लड़की हो, अगर मुझे पसंद है और वो हमारे परिवार वालों को समझ सके और मेरी एक अच्छी साथी बन सके, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कंपेयर टू कि वो किस देश से है, कौन सा धर्म मानती है और वो हमारे कल्चर को समझ पाएगी या नहीं समझ पाएगी। और मैं जब यूरी से मिला जापान में और मिलने के बाद मुझे ऐसा लगा कि ये एक बहुत ही स्पेशल लड़की है जो कि अपने परिवार को, और जब मेरे माता पिता जापान गए और इससे मिले तो इसने भी इनका काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखा और तब जाके उनको एहसास हुआ कि इस तरह की अच्छी लड़की उन्हें ढूंढने पे, मतलब यहाँ पे भी मिलना बहुत मुश्किल है। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि लड़की यहाँ अच्छी हिंदुस्तान में नहीं है, ऑफकोर्स हमारे यहाँ एक से एक खूबसूरत और एक से एक अच्छी लड़कियाँ हैं, बट काफ़ी टाइम लोग किसी को मिलने के बाद समझने का मौका नहीं मिलता है। तो मुझे इसे जानने का मौका मिला, मिलने का समझने का मौका मिला और समझ के ऐसा लगा कि इससे ज़्यादा अच्छी साथी और कोई नहीं हो सकती। कैसे मित्रता हुई? तो ये एक इंटीरियर डिज़ाइनर हैं और ये काफ़ी तरह के एग्जीबिशंस में जाती हैं, काफ़ी म्यूजियम्स में, आर्ट गैलरीज में जाती हैं। तो इसी तरह के एक एग्जीबिशन के दौरान मुझे इनसे मिलने का मौका मिला और एक हल्की सी मुलाकात हुई, बट इनसे एक छोटी सी मुलाकात में मुझे लगा कि ये काफ़ी इंटरेस्टिंग लाइफ पार्टनर हो सकती हैं। नॉट एज अ लाइफ पार्टनर, बट शुरू में हम लोग सिर्फ एक अच्छे दोस्त थे और काफ़ी टाइम तक दोस्ती के बाद, 6 महीने 7 महीने 8 महीने के बाद हमें लगा कि इस दोस्ती को कुछ आगे लिया जा सकता है। तब मैंने इनसे बोला कि आपको क्या लगता है कि क्या आप ओपन हैं इस तरह के अपने, लाइक मैं भारतीय हूँ आप जापानी हैं, क्या आपके लिए ये, मतलब एक दोस्त की तरह दोस्त बनाना एक डिफरेंट क्वेश्चन होता है, लेकिन एक लाइफ पार्टनर की तरह क्या आप मुझे एक्सेप्ट कर पाएंगी। और
जापान में काफ़ी लोग इंग्लिश उतना ज़्यादा नहीं बोलते हैं, और बाहर मैं जापान में रह के पिछले 4 साल से काम कर रहा हूँ, तो एक दूसरे से बात करने में भी शुरू में हमें थोड़ा सा कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम हुआ था। बट यूरी काफ़ी अच्छी इंग्लिश भी बोलती हैं, बट इन्हें लगा कि हम लोगों को कम्युनिकेशन में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, तो मैंने इन्हें विश्वास दिलाया कि आप बहुत अच्छे हो, मैं अपने तरफ से बहुत अच्छे होने की कोशिश करूँगा, और जब तक हम लोग एक दूसरे को समझते हैं तो भाषा का प्रॉब्लम कभी नहीं होगा। और इनके मेरी माँ हैं, वो उनसे यूरी ऐसे इंग्लिश में बात नहीं कर सकती है, वो इंग्लिश में नहीं बोलती हैं, लेकिन ये इनका प्यार है और ये इनकी इनके दिल में लोगों के लिए, बड़ों के लिए जो इज़्ज़त है, वो इज़्ज़त इन्होंने मेरी माँ को दी है, मेरे पापा को दी है और मेरे फैमिली के हर मेंबर को दी है, उन्हें समझने की कोशिश की है। ये सब जो ट्रेट्स हैं इन्होंने, ये सब देखकर मैं इनकी तरफ अट्रैक्ट हुआ, और फाइनली इन्होंने काफ़ी टाइम तक हम लोगों ने डेट किया और करीबन 1 साल के बाद फाइनली हम इस फैसले पर पहुँचे कि हम एक दूसरे से शादी कर सकते हैं, और अब ये यहाँ हैं। इनके माता पिता जापान टोक्यो से यहाँ पे आए हैं, और काफ़ी इन्होंने भी इसके डिसीजन में इसको काफ़ी सपोर्ट किया है, और ये काफ़ी अच्छी बात है कि आजकल पेरेंट्स अपने किड्स पे प्रेशर नहीं बना रहे हैं कि मैं तुम्हारा लाइफ पार्टनर चूज़ करूँगा, बल्कि वो कहना चाहते हैं कि तुम्हें अगर कोई अच्छा लगता है तो उसे हमें समझने का मौका दो। हमारे यहाँ हिंदुस्तान में परिवार बहुत अहमियत रखता है, तो कोई भी फैसला हम परिवार के अगेंस्ट जाके नहीं लेते हैं, तो बट ये एट द सेम टाइम ये परिवार की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, परिवार का भी ये एक तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि वो अपने बच्चों को समझने की कोशिश करें, अगर कुछ कोई चीज़ मुझे अच्छी लगती है तो क्यों लगती है। आप पेशे से क्या हैं? मैं इन्वेस्टमेंट बैंकर हूँ, जापान टोक्यो में मैं काम करता हूँ पिछले 4 साल से, गोल्डमैन सैक्स में मेरा जॉब है। पहले मैं यहाँ बिट्स पिलानी में पढ़ा था, उसके बाद आई एम बैंगलोर से MBA किया, उसके बाद मैं पहले क्रेडिट स्विस और डॉयचे बैंक में मैंने काम किया, उसके बाद मैंने हांगकांग में था 1 साल तक, उसके बाद मैं टोक्यो मूव हुआ, और पिछले 3 से 4 साढ़े 3 साल से मैं टोक्यो में हूँ, और मैं जॉब की वजह से मैं टोक्यो में हूँ और वहीं पर मेरी इनसे मुलाकात हुई। ये आपके साथ ही रहें जी? भारत में नहीं, अभी तो फ़िलहाल नहीं, अभी तो मेरा जॉब अभी भी टोक्यो में है, तो भविष्य में हमने डिसाइड नहीं किया कि हम कहाँ रहेंगे, मेरे जॉब के वजह से मैं, हो सकता है कि मैं दूसरे शहरों में। 4 सालों के दौरान आपने कभी हिंदी भी सिखाने का प्रयास किया है? ये हिंदी छोड़िए, अब ये भोजपुरी भी काफ़ी अच्छा बोलती हैं, और ये अपना नाम जो है आपको भोजपुरी में बता सकती हैं। बताइए